आप और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित नजर आ रहे हैं, 10% का ग्राफ जो है प्रतिशत का क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है सर, क्या उपाय करना है सर सरकार और क्या तैयारी? देखिए, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। ये बात सही है कि कोरोना संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। वो शहर जिसमें रोज हमारे 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की है, जन जागरण के माध्यम से लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इसके निर्देश दिए गए। उसके साथ ही जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उस पर भी रोक लगाई गई है, शादी विवाह में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, मृत्यु के किसी कार्यक्रम में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, शव यात्रा में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, इसकी भी पूरी व्यवस्था की है। और दूसरा आयाम जो हमारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं का है, वो भी हमारी चौक चौबंद है। कल ही मैंने सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स के साथ VC के माध्यम से पूरी समीक्षा की है और हमने ये निर्देश दिया है कि चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे पैथोलॉजी जो IPD के पेशेंट है, कोरोना के जो भर्ती केसेस हैं, उनकी पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्टेड हैं, उनके रखरखाव, उनकी पूरी साधन संसाधन की व्यवस्था, हमने सभी चीज़ों को दुरुस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में लगातार हम समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अभी तक का पीक हम सितंबर का मानते हैं और सितंबर के पीक में हमने उससे भी 5% ज़्यादा बिस्तरों की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हमने की है।